Sir, these are the papers. That's the lawyer. Haan, yahi papers hai. These are the papers. Okay, you can go in. Thank you. Uncle, andar jaiye. नगर है, मैं यहां वकील हूं हांगकांग में। मुझे जग्गू ने भेजा है। मैंने तुम्हारा आपका केस स्टडी कर लिया है। तो क्या सोचा आपने? मैं उस इंस्पेक्टर फिलिप से मिल चुका हूं जो तुम्हें इट्स ओके, आप तुम कह सकते हैं। थैंक यू। तो उनकी राय और सलाह यह है कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेती हो तो तुम्हें सिर्फ चंद सालों के लिए जेल जाना होगा और हम रहम की अपील करके तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। और अगर मैं गुनाह कबूल ना करूं तो उस इंस्पेक्टर ने अगर अदालत में साबित कर दिया कि तुम कोकेन की स्मगलिंग करती हो तो तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। जब मैं बेकसूर हूं तो गुनाह कबूल कैसे करूं? देखो बेटी, मेरा मतलब है कि देखो रोशनी, सवाल इस बात का नहीं है कि तुमने गुनाह किया है या नहीं। तुम्हारे बैग से उन्होंने कोकीन बरामद किया, उनके पास केस बहुत मजबूत है। सर, मेरे बैग में कोकीन राहुल ने रखी है। मैं बेकसूर हूँ, आप माने या ना माने। मैं तो मानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, पर उनको देखो रोशनी, तुम्हारे गुनाह कबूल करने से उनकी इज्जत बच जाएगी और तुम्हारी जान, मैं तो बस इतना जानता हूं। और फिर तुम्हारा वकील होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। अब एक बात बताइए सर, क्या सच का सौदा किया जा सकता है? आप जाके उस इंस्पेक्टर से कह दीजिए मैं बेकसूर हूं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और उसके बाद चाहे तो वो मुझे छोड़ दे या दे सजाए मौत। एक मिनट रोशनी, वो जो लड़का, क्या नाम है उसका, वो राहुल, हाँ, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मेरे सामान में कैमरा है, उसमें है। ठीक है, मैं तुम्हारे केस के पेपर तैयार करता हूं। आप ये जानते हुए भी कि मेरा केस कमजोर है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब सच्चाई का साथ तो देना होगा ना। सर, एक्सक्यूज मी सर, मैंने जग्गू से कहा था मेरे पिता का पता करने के लिए, क्या उन्हें कुछ पता चला? तुम्हारे पिता? पता नहीं, पूछूंगा मैं जग्गू से। क्या हुआ अंकल, क्या वो अपना गुनाह कबूल कर रही है? नहीं। लेकिन आपने उसे समझाया क्यों नहीं कि वो ऐसा जिद करेगी तो इंस्पेक्टर फिलिप उसे कोर्ट में स्मगलर साबित कर देगा और उसे सजाए मौत भी हो सकती है। वो ऐसा पागलपन क्यों कर रही है, क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरा खून है। आज उस पर भी वही इल्जाम लगा जो बरसों पहले मुझ पर लगा था। मैंने भी आज तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया। बर्बाद हो गया मैं, अपनों से अलग हो गया मैं। वो मेरा खून है जग्गू, मेरा खून है। मेरी तरह बहुत जिद्दी है, नहीं नहीं मानेगी वो, नहीं मानेगी वो। अगर आपको अपने खून पर इतना नाज है तो आप उसे जाकर बताते क्यों नहीं? क्या आप उसके बाप हैं? क्यों नहीं? डरता हूं कि अगर मैं केस हार गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? क्या कहूंगा उससे मैं कि उसका बाप इतना कमजोर है कि अपनी बेटी को बचा नहीं सका? वो बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकती है जब तक उसे उसका बाप नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन उसे उसका बाप मिल गया वो टूट जाएगी, हार जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक
एक वकील एक केस हार सकता है, लेकिन एक एक बाप नहीं हार सकता। उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? उसके उसके सामान में एक कैमरा है, शायद उसमें राहुल की तस्वीर है। उसका सामान कहाँ है? फिलिप के पास। हम उसे कुछ पैसे खिलाकर सामान निकालेंगे।